कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस ने लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए लिंग जांच धंधे में संलिप्त गिरोह की दो महिला सदस्यों को 22,000 की नकदी सहित काबू किया है। पुलिस अधीक्षक लाडवा बोले, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा नेटवर्क खंगालेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर महला ने बताया कि लाडवा क्षेत्र की आशा वर्कर को सूचना मिली थी कि इलाके में लिंग जांच करवाने वाले सक्रिय हैं, जिस आधार पर अंबाला की दीप नामक महिला तथा लाडवा की सरो से संपर्क किया गया, जिन्होंने 40,000 में लिंग जांच करवाने की बात कही। उन्हें पैसे दे दिए गए तो देवबंद में डिकॉय महिला की लिंग जांच की गई। जब आरोपियों को पुलिस ने लाडवा से पकड़ा है, उनसे 22,000 की नकदी भी बरामद की गई। वहीं पुलिस उपाधीक्षक जय सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर दो महिला आरोपियों को काबू किया गया है, जिनसे जांच की जाएगी तथा आरोपियों का सारा नेटवर्क खंगाला जाएगा। देखिए, सिविल हॉस्पिटल और लाडवा पुलिस ने मिलकर के एक जॉइंट रेड की थी, जो बंसल हॉस्पिटल चौक जो है लाडवा में, यहाँ पर आरोपीगण को हमने राउंड अप कर लिया है। और जैसे ही सिविल हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हमें कोई एप्लीकेशन देंगे, हम FIR रोज करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आखिर तक जो इसके जो लास्ट एंड तक जो अक्यूज्ड हैं उनको हम सबको अरेस्ट करें। तो ऐसा हमारे को कई दिन से इंफॉर्मेशन मिल रही थी HD करवाने की। एक दीप नाम की लेडीज से हमारे जो आशा वर्कर है एक सुमन, उन्होंने सौदा डील किया। दीप नाम की है, बलदेव नगर से, एक लेडी बलदेव नगर से, अम्बाला से। उन्होंने 40,000 में सौदा तय किया कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन करवाएंगे। आगे दीप ने एक सरोज है लाडवा के पास गांव के रहने वाली, उनसे कांटेक्ट किया। उसके रिश्तेदार थे, वो सरोज के रिश्तेदार थे UP में, देवबंद में। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे ले गए प्रेग्नेंट लेडी को, जो हमने तैयार की थी। वहाँ पे 40,000 में सौदा किया था, जिसमें से 18,000 उन्होंने वहाँ पर उनको दे दिए अल्ट्रासाउंड करने वाले किसी डॉक्टर को देवबंद UP में। और 22,000 रुपये से रिकवर हो गए हमारे इनसे डाउट से। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट।